बिग बॉस ओटीटी लाइव फीड के अंदर दोस्तों आपको बता दें, गेस्ट के रूप में यहाँ पे टास्क करवाने के लिए आए थे डैनी पंडित, तो उन्होंने आकर कुछ ज़्यादा ही बकचोदिया करनी शुरू कर दी। घर वाले उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं कि उसने सूटकेस इधर उधर फेंक दिया, हमारे कपड़े फेंक दिए। जिया काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो रही थी क्योंकि उनके सूटकेस में उनके अंडरगारमेंट्स थे, उनके लॉन्जरी वगैरह थी, वो सब उन्होंने पूल में फेंक दिए थे, जिससे कि वो काफ़ी अपसेट हो गई कि उनके अंडरगारमेंट एक लड़के ने उठाकर ऐसा कर दिया। तो दोस्तों आपको बता दें, फिर एलविश यादव कहते हैं, जिया जी आप परेशान मत लो, मैंने आपका बदला उससे ले लिया था, वो मेरा टॉवल ले लेके बार बार छीन छीन के हवा में घुमा रहा था, तो मैंने भी मेरा टॉवल उठा के हवा में घुमाना शुरू कर दिया, भाई के मुंह पे फटेड़ा से पड़ गया और भाई गुस्से में आ गया, भाई को लगा उसका तो ईगो हर्ट हो गया। फिर मैंने सोचा ये तो मुझे वापस मारेगा और मैं रिएक्ट भी नहीं कर पाऊँगा, और मैं भग के आप लोगों के पास आ गया। फिर पूजा कहते हैं, हाँ हाँ तुम भाग के आए तो थे, बड़े स्मार्ट हो। तो एल्विश कहते तो जिया जी आप प्रॉब्लम मत लो, साड़े के मुँह पर दे के आया हूँ मैं। तो जिया यहाँ पर बोलती है, वो बात नहीं है यार, लेकिन उसमें मेरी लॉन्जरी वगैरह थी, अगर नॉर्मल कपड़े होते तो मुझे बुरा नहीं लगता, लेकिन ऐसे कोई लड़का किसी लॉन्जरी उठाए तो अजीब लगता ही है ना। तो यहाँ पे एल्विश कहते बात तो सही है आपकी। तो दोस्तों आपको कैसा लगा एल्विश का ये अंदाज़, कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि हर खबर आप तक पहुँचे सबसे पहले।